खन्ना तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे ज्वेलर्स दे शोरूम ते अन्ने वाह गोलियां चलाई गई ने। खन्ना पुलिस की मुस्तैदी इत्थे ढिली पैंदी नज़र आ रही है। चोणां दा माहौल शांत हुंदिया ही अपराधिक घटनावां विच वाधा हुंदा नज़र आ रहा है। पुलिस अते सराफा व्यापारी दे मुताबक दो व्यक्ति बाइक उपर आए जिन्हां दे मुंह कपड़े नाल ढके हुए सन। उन्हां आउंदे सार 5-6 फायर कीते जिस नाल दुकान दा शीशा टुट गया पर जानी माली नुकसान तो बचा रहा। मौके ते पुलिस विभाग दे DSP अते SHO दुराहा पहुंचे जिन्हां दस्सिया कि फायर करन वाले व्यक्तियां ने 5-6 फायर कीते जो रिवॉल्वर नाल अंजाम दित्ता गया। फायरिंग करने वाले व्यक्ति शहर के रेलवे स्टेशन वाल नूं भजन विच सफल हो गए। इत्थे एक गल होर दस दईए कि इस जगह तो 50 मीटर की दूरी से दो जजां की रिहाइश है। सारी घटना जो है CCTV कैमरे च कैद हो गई है। दोवें मुजरिमां दे हत्थां च जो है पिस्तल देखी जा सकती है ते उह फिल्मी स्टाइल दे विच गोलियां चलाउंदे नजर आ रहे ने। इनफॉर्मेशन आई सी कि दराहा थाने अराउंड 8:35-8:40 दे कि परमजीत ज्वेलर्स जो कि दराहा मेन बाजार जिन्हां दी शॉप है उन्हां दे उत्ते दो बंदे आ के 4-5 राउंड फायर करके गए ने। ये अंदर जो राउंड ने सारे बाहरों फायर किए गए ने। किसी अंदरों जाली नुकसान नहीं होया। दुकान का शीशा टूट गया है। सर लग्या पता कि किस कारण ये गोलियां चलाई गई हैं? नहीं हाजी वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर गल करते हैं जिस तरह के थोड़ा समय पहला भी कुछ साल पहला भी फायर हुई थी इन्हों की दुकान पर इन्होंने पिताजी से की कहना चाहोगे ये मामला उस जोड़ा जा सकता है? दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। असं वो पक्ष भी जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ध्यान रखा। सर मुरली जांच के कोई गल सामने आई? नहीं हाजी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। असं अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। खन्ना तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे ज्वेलर्स दे शोरूम ते अन्ने वाह गोलियां चलाई गई ने। खन्ना पुलिस की मुस्तैदी इत्थे ढिली पैंदी नज़र आ रही है। चोणां दा माहौल शांत हुंदिया ही अपराधिक घटनावां विच वाधा हुंदा नज़र आ रहा है। पुलिस अते सराफा व्यापारी दे मुताबक दो व्यक्ति बाइक उपर आए जिन्हां दे मुंह कपड़े नाल ढके हुए सन। उन्हां आउंदे सार 5-6 फायर कीते जिस नाल दुकान दा शीशा टुट गया पर जानी माली नुकसान तो बचा रहा। मौके ते पुलिस विभाग दे DSP अते SHO दुराहा पहुंचे जिन्हां दस्सिया कि फायर करन वाले व्यक्तियां ने 5-6 फायर कीते जो रिवॉल्वर नाल अंजाम दित्ता गया। फायरिंग करने वाले व्यक्ति शहर के रेलवे स्टेशन वाल नूं भजन विच सफल हो गए। इत्थे एक गल होर दस दईए कि इस जगह तो 50 मीटर की दूरी से दो जजां की रिहाइश है। सारी घटना जो है CCTV कैमरे च कैद हो गई है। दोवें मुजरिमां दे हत्थां च जो है पिस्तल देखी जा सकती है ते उह फिल्मी स्टाइल दे विच गोलियां चलाउंदे नजर आ रहे ने। इनफॉर्मेशन आई सी कि दराहा थाने अराउंड 8:35-8:40 दे कि परमजीत ज्वेलर्स जो कि दराहा मेन बाजार जिन्हां दी शॉप है उन्हां दे उत्ते दो बंदे आ के 4-5 राउंड फायर करके गए ने। ये अंदर जो राउंड ने सारे बाहरों फायर किए गए ने। किसी अंदरों जाली नुकसान नहीं होया। दुकान का शीशा टुट गया है। सर लग्या पता कि किस कारण ये गोलियां चलाई गई हैं? नहीं हाजी वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर गल करते हैं जिस तरह के थोड़ा समय पहला भी कुछ साल पहला भी फायर हुई थी इन्हों की दुकान पर इन्होंने पिताजी से की कहना चाहोगे ये मामला उस जोड़ा जा सकता है? दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। असं वो पक्ष भी जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ध्यान रखा। सर मुरली जांच के कोई गल सामने आई? नहीं हाजी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। असं अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे।